नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी केपी न्यूटन में स्वागत है। तो हम लोग आज का जो वीडियो बना रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर फोर्थ है, क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर फोर्थ है। चैप्टर जो हमारा फोर्थ है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर, राइट। हम लोग क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पर जो एटम की स्ट्रक्चर होती है, ये हमारा क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है। दो पार्ट से मिलकर बनता है एटम की जो स्ट्रक्चर है, वो दो पार्ट से है। पहला सेंटर पार्ट न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेंटर पार्ट कुछ जो और अदर पार्ट है, इसमें हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट में हमारे इनको बोलते हैं सेल भी बोलते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड ये बहुत सारे ऑर्बिट हैं, इनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से एटम की स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, तो एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी एटम होता है उस एटम के न्यूक्लियस में ओनली जो टोटल प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, टोटल जो प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल प्रोटॉनों को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स कहते हैं, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर कह सकते हैं एटॉमिक नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, कोई भी एटम होता है उस एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन, लेकिन उस एटम के न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन लेते हैं, टोटल प्रोटॉन जो होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर और क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स को हम डिनोट करने के लिए हम कह सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर्स। और याद रखिएगा, कोई एटम होता है, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनों के इक्वल, और जो प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से जब इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं, आई से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं, इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर्स को जेड से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर्स और इनके रिलेटेड। इसके बाद एटॉमिक नंबर्स के बाद आता है मास नंबर, राइट। क्या आता है, मास नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए मास नंबर जो होते हैं, मास नंबर क्या होता है कि कोई भी एटम होता है और उस एटम में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में जो टोटल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तो कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो कह सकते हैं द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन